दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ हम लगातार चर्चा करते हैं, खासकर राजनीतिक मुद्दों पर, चाहे वो क्षेत्र की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, इंटरनेशनल बातें, इन सब पर आपके साथ हम रूबरू हुआ करते हैं। और इन सब के बीच कई बार सामाजिक मुद्दे भी ऐसे होते हैं कि जिस पर मन होता है कि आपसे चर्चा की जाए, आपको बताया जाए। और एक सामाजिक मुद्दा ही ऐसा है, विवाह। हर जीवन के अंदर लगभग अगर हम कुछ उदाहरण छोड़ दें तो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में एक ये मौका जरूर आता है जिसको विवाह कहते हैं। और एक सामाजिक बंधन में सबसे बड़ा बंधन माना गया है विवाह का बंधन। इस समय एक विवाह बड़ी चर्चाओं में है और वो विवाह है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का। तमाम जगह उसकी चर्चा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मीडिया के अंदर आप देखें तो कई घंटों के पैकेज चल रहे हैं। 6 महीने से वो शादी चल रही है। उस विवाह को लेकर के मैं आज चर्चा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन राजनीति करने वालों को सामाजिक ज्ञान पूरा होता है, सामाजिक बात पहले होती हैं, देवेंद्र सुरजेवाला जी। और क्योंकि पंचायत विकास विभाग से जुड़े हुए हैं तो वो तो सामाजिक विभाग ही हुआ करता है, ज्वाइंट डायरेक्टर थे रिटायर्ड वहां से। सुरजेवाला जी, एक शादी की बड़ी चर्चा है जी, अनंत की शादी जी, पूरे देश के अंदर कहूं या पूरी दुनिया के अंदर इस समय उसकी चर्चा है, दुनिया में पहुंच गई सोशल मीडिया से और मीडिया के अंदर तो आप लगा लो, क्योंकि चैनल भी अंबानी साहब के बहुत सारे हैं तो भरे पड़े हैं वो। नहीं, दुनिया से भी बहुत से लोगों को इन्वाइट किया हुआ है और बाहर से विदेशों से बहुत लोग आए हैं। 6 महीने से चर्चा इस शादी की, अनंत और राधिका की शादी की जी, प्रधानमंत्री से लेकर के और छोटे नेताओं तक, धर्म गुरुओं में शंकराचार्य से लेकर और रामदेव तक और तमाम पता नहीं कौन से बापू और कौन से बेटे, तमाम संत महंत जो भी जितने भी हैं ये सब, हर प्रकार के वहां पर अलग अलग सेलिब्रिटीज, क्रिकेट की दुनिया के, मनोरंजन की, टीवी की दुनिया के सब लोग जी। ये शादी क्या भारत के लिए कोई संदेश है, जिस प्रकार से इतना लोग इकट्ठा हो रहे हैं जी, जिस प्रकार से कि इसको आयोजन बनाया जा रहा है, इवेंट बहुत बड़ा इवेंट 6 महीने चल रहा है जी, क्या संदेश है इस शादी का? देखिए, ये बहुत बुरा संदेश हुआ और इसका जो मैं समझता हूँ जो आम जनजीवन में ना इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। एक आम आदमी भी शादी करता है वो टूट लेता है, गरीब आदमी कर्जा उठाता है बेटी की शादी के लिए, उसका वो अपना पूरा तमाम जीवन वो छोटी छोटी बचत करके वो पैसा जोड़ता है और बहुत सी हालात में तो सरकार से भी इमदाद मिलती है, बहुत से केसेस में शादी के लिए पैसा मिलता है तब जाके वो शादी करता है। एक अनुमान है लगभग देश के 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो सामाजिक और जो सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं जी उनसे वो वैवाहिक बंधन जैसे काम पूरे करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है जब पैसे का ज़्यादा चलन नहीं था, यानी बहुत गरीबी थी तो लोग शादी में वो न्योता निधार करते थे ना, तो पैसा देते थे उससे उसे इमदाद मिलती थी, मदद मिलती थी और रिश्तेदार भी जो है ना पैसा वैसा शादी में जो देते हैं शगन, वो उसकी इमदाद ही होती थी जिससे वो शादी कर पाता था। आज भी बहुत बार पंचायतें होती हैं, खा पंचायत बैठती है, भाईचारे के फैसले होते, कई बार होता है कई गांव फैसला, बड़े पंचायतें होती हैं, बहुत पंचायतें सुनी जाती हैं इस विषय पे, हाँ किसी विषय पर, शादी वाले विषय पर, और वो फैसला ये लेते हैं कि भी सादगी पूर्ण शादी हो, ज्यादा आडंबर ना हो, 50 से ज्यादा संख्या में लोग बरात में ना आए और कोई दहेज का दिखावा ना हो जी, जैसे करते हैं ना, हाँ बिल्कुल दिखावे वाली शान ना हो भाई, लेन देन में 1 रुपया या 21-11 रुपए हो, इससे ऊपर कोई वो ना हो और लिमिट हो बरात की और दिन के समय की जाए, बैंड बाजा ना हो, डीजे के लिए तो हरियाणा में विशेष तौर पर बहुत से गांव ने फैसला किया है कि हमारे गांव में डीजे नहीं बजेगा। तो इस तरह के बंधन, सामाजिक बंधन, ये जो सामाजिक बंधन है जी, अभी हम बात जो कर रहे हैं जी कि ग्रामीण परिवेश, पंचायतें, सामाजिक लोग, गरीब लोग, हाँ जी, वो समाज से उनको क्या मतलब, वो अंबानी है भाई, समाज का हिस्सा है, उससे देखिए एक चीज है, फैशन है
या इस तरह की कोई चीज है वो ऊपर से चलता है और उसका असर नीचे आता है। मतलब एक ऐसे रोल मॉडल हुआ करते हैं लोग, अगर ये समझें खुद को तो नहीं है, वो समझे या ना समझे, समझना अगर वो समझे तो ही है ना सर। नहीं, वो समझे तो अच्छाई की तरफ जाए, लेकिन वो ना समझे अलग बात है, लेकिन है लोगों में एक लालसा तो है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ है अंदर, वो ऐसी चीज को जब देखता है। देखिए, कोई गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है, अगर उसको कोई शानदार बंगला दिखाई दे, लश ग्रीन ग्रास और चमचमाती लाल रंग की कार खड़ी हो, तो वो झांकता है बेशक, लेकिन उसको एक लालसा एक होती है, कभी मेरे पास भी हो ये। हाँ, मन में एक ख्याल तो आता है ना। हाँ 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 बिल्कुल, वो मजबूर है अलग बात है। तो जब इस तरह की शादी होती है तो आदमी सोचता है, काश कि मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे ही करता। तो एक बुराई की तरफ एक स्टेप चलता है। तो ये कह सकते हैं कि जो अंबानी है जी, इतना मैं आज एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि अंबानी के पास इतना पैसा है जो उनका टर्नओवर है कि अगर वो 9 करोड़ रुपए रोज खर्च करें जी, तो भी वो लगभग 700 साल तक वो पैसा चला सकते हैं। तो फिर वो अच्छे काम के लिए क्यों ना करें? भामा शाह का नाम आज भी क्यों इतिहास में जाना जाता है? जब महाराणा प्रताप जी घास की रोटी खा रहे थे और हल्दी घाटी में जब हार हो गई, चित्तौड़ को जीतने के लिए उनको पैसा सेना कुछ नहीं था, तो भामा शाह ने उनकी मदद की, उन्होंने दोबारा से सेना तैयार की उस पैसे से, मतलब राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। हाँ, एक तरह से तब उन्होंने दोबारा से चित्तौड़ को जीता, तो भामा शाह का नाम है। तो अगर अंबानी जी के पास इतना पैसा है तो देश के और अच्छे काम के लिए लगाए, ये फिजूल खर्ची करके क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश जाएगा इससे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये बुराई की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं, मैंने जैसे पढ़ा है, देखा है, सुना है, आपने भी कहा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे छोट भैया, दुम छोले, सभी 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 पार्टी के लोग। अच्छा, एक चीज और, एक बात और जी, वो सारे लोग जो अंबानी अंबानी अडानी अंबानी अल्लाह करते थे, वो भी शादी में पहुंचे, वो भी जा रहे हैं। ममता जी जा रही है, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव। हाँ, एक एक्सेप्शन है, राहुल जी और उनका परिवार नहीं गया, राहुल गांधी का परिवार नहीं गया जी। हाँ, ये मैं समझता हूँ, हालांकि वो अच्छा कदम, वो भी चला था, मैंने देखा था मीडिया में कि वो राहुल गांधी के घर गए हुए हैं, इन्विटेशन कार्ड 10 जनपद भी गए थे, सोनिया गांधी को भी देने गए थे। वो अच्छी बात है, वो उन्होंने निमंत्रण दिया, सामाजिक तौर पर उन्होंने स्वीकार किया हो और वही बधाई दे दी, बधाई दे दी, लेकिन इस तरह का आडंबर में भाग लेना मैं नहीं समझता। प्रधानमंत्री जी वहां गए, क्या संदेश मिलेगा, क्या संदेश मिलेगा? एक छोटा सा इंस्टांस मुझे याद आ गया अभी इसी बात के ऊपर, जो देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे देश के और वो जसाना गांव के अंदर उनकी एक पब्लिक मीटिंग थी। उसके बाद यहाँ पर जीवन सिंह नागर जी जो जिला के पार्टी के प्रधान थे फरीदाबाद के, उनके घर पे चाय पान का जलपान का प्रोग्राम था मीटिंग के बाद। तो जीवन सिंह जी के बगल में एक छोटा सा पार्क था और उसमें उन्होंने अपनी घर की दीवार तोड़ के गेट लगा के और उसमें एक हट बनवा दी और ये कहा गया कि उप प्रधानमंत्री जी के चाय पान का प्रोग्राम है, ये सारा उनके लिए किया जा रहा है। उस हाड़ में उन्होंने उसमें कब्जा करने की कोशिश की कर लिया था, हट बनवा ली और वो अपने चार दीवारी में शामिल कर लिया। अच्छा, देवीलाल जी जब आ रहे थे तो उनको किसी ने कान में फूंक डाल दी। एक हमारे ही यहाँ के मजदूर मोर्चा अखबार है, उसमें भी एक खबर छपी कि वो प्रधानमंत्री जी जहाँ चाय के लिए जा रहे हैं, वो हुड्डा का जो पब्लिक पार्क है जिसपे कि अभी अभी रिसेंटली एक नाजायज कब्जा हुआ है और उनके नाम से हट बनाई गई, क्या उस हट में बैठ के वो प्रधानमंत्री जी नाजायज कब्जे अनाधिकृत जगह पे चाय पान करेंगे, क्वेश्चन मार्क। वो अखबार की प्रति और वो चीज़ उनको चौधरी देवीलाल जी को दिखा दी, उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि ना, मैं नहीं जाऊँगा, चाय पे नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ मैं चाय नहीं पीऊँगा। वो एक अच्छा संदेश गया। तो प्रधानमंत्री जी भी इस तरह से जा रहे हैं और उसमें तो ये बढ़ावा ही है, मैं तो ये कहूँ, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर के उसमें शादी में भाग ले रहे हैं, भाई इससे देश को क्या मिल रहा है? शादी में, शादी एक प्राइवेट फंक्शन है, आप करिए। अच्छा, फिर उसमें इतने महंगे महंगे गिफ्ट,
अब सुना है कि 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट दी गई है, गिफ्ट दी गई है। ये घूस नहीं है उन नेताओं को, बिल्कुल जो पॉलिटिशियन गए, बिल्कुल उनको एक तरह से रिश्वत नहीं है कि बिल्कुल मुझे तो, मैं तो ये भी कहूंगा कि अंबानी साहब ने जो शादी की और उन सबको बुला लिया जी, शादी तो पहले बेटे की भी हुई, बेटी की भी हुई जी, ये इस आयोजन में सबको बुला लिया कि तुम संसद में अंडानी अंडानी अंबानी अंबानी अल्लाह करते थे, लो भैया तुम भी मत करना। हाँ, वो बंद करने का एक अच्छा प्रयास है। और सारे सांसद, सभी सांसद को कि वो पार्लियामेंट में कोई उनके खिलाफ शायद ना आवाज उठाए, ये उनकी कोशिश है। मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी के और एक गांधी परिवार, ये वहां पर नहीं नहीं पहुंचेगा। चलिए, खैर अभी हम बात शुरू कर रहे थे, हमने जो बात की कि पंचायती और गरीब आदमी की, तो अंबानी साहब कह देंगे इतना बड़ा धन दौलत ऐश्वर्य किसके लिए है, इतनी बड़ी आयोजन करेंगे, शादी करेंगे, लोग याद रखेंगे कि अंबानी ने बेटे की शादी की थी। मैंने अभी याद किया था आपको, वो एक शहंशाह ने बनवा करके ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तो ये ताजमहल तो अपने आप में एक वो है, हमारे लिए अजूबा है और देश के लिए एक शान है, लेकिन उसके बारे में भी कवियों ने, शायरों ने किस तरह की बात रखी। आपने कहा कि भी उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है, वो संदेश निसंदेह गलत दिशा के लिए है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे भला ना हो करके समाज के अंदर एक बुराई पनपेगी। उनको चाहिए था, लोगों ने ठोकर मारी। और पिछले दिनों भी आया था एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, माँ बेटे ने दो अपनी पूरी धन दौलत वो पूरी त्याग दी उन्होंने इस, और वो अपना उसमें चले गए। तो अगर करना था तो इनको अच्छे किसी बनाते, अच्छा हॉस्पिटल बनाते, कहीं अच्छा यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, वो यूनिवर्सिटी जो बनाई उसका अभी तक स्थापना भी नहीं हुई, उसकी धरातल के ऊपर वो जगह पे आए भी नहीं, उससे पहले उनका लेटर ऑफ एक्सलेंसी पहले से मिल गया, उनको गवर्नमेंट से एड भी पहले से मिल गई। क्या वो इतने गरीब और वो थे अंबानी जी कि उनको पहले से ये मिले? उनको चाहिए कि वो अच्छा काम करे। तो अब टाटा का बारे में, हमारे देश के अंदर जितने भी आज तक वो रहे हैं व्यापारी, तो उनका नाम है, टाटा को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं कि उन्होंने जितने भी संस्थान बनाए और बनाए, उन्होंने देश हित को पहले रखा है, राष्ट्र हित को पहले रखा है, उन्होंने व्यापार किया है, व्यापार में पैसा कमाया है। लेकिन टाटा के बारे में एक लोगों के दिल में इज्जत है जी। आज मैं तो ये समझता हूँ अडानी और अंबानी के बारे में, जो टाटा या हमारे सेठ छाजूराम हरियाणा से हुए हैं, उनके बारे में आज तक मिसाल है कि वो दानवीर कहलाते रहे जी जी। तो ये दानवीर तो नहीं हो सकते, अपने ऊपर तो कोई भी आदमी खर्च कर ले जी, और अपनी ऐश परस्ती के लिए लोग न जाने फुकेट जो है वहाँ भी जाते हैं, थाईलैंड भी जाते हैं लोग मौज मस्ती के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। प्रभावशाली लोगों की जी सुरजेवाला जी, कोई आपको और याद आती है ऐसे कोई शादी, ऐसे बड़े इवेंट, ऐसे आयोजन उनके? हाँ, एक शादी का मुझे, मैं जब छोटा था बचपन में था, हमारे नरवाने एक शादी, मतलब एक तो ये संदेश दिया इन्होंने कि बड़ी खर्चीली कर जी जी, तो दूसरा कोई ऐसा संदेश? हाँ, बिल्कुल इसके ठीक उलट, जो मेरे दिल में और दिमाग में आज भी प्रभाव रखे हुए हैं। मैं जब छोटा था, जब बचपन में देखा, चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जी, उनके बड़े पुत्र महेंद्र, रणवीर महेंद्र जी, हाँ जी हाँ, उनकी जब शादी हुई, वो नरवाना में शादी हुई हमारे यहाँ जी, मेरे होम टाउन। उनके जो ससुर थे वो रघुवीर सिंह बान जी थे, जो एक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में वहाँ पोस्टेड थे, उनके समधी जो हुए, अचोई बंसीलाल जी के समधी जी, यानी वधू के पिता, वधू के पिता जी। तो शादी में मैंने देखा खुद सिर्फ 5 आदमी, महेंद्र चूंकि वो वर थे, वर के चाचा रघुवीर सिंह और उनके मामा, और एक कन्हैया लाल पोसवाल जी जो उस वक्त मंत्री थे, वो सामाजिक नाते से और पॉलिटिकल कह लो, एक गांव का कोई जिसको नाई कहते हैं क्या है, वो 5 आदमी, कुल 5 आदमी। 11 बजे दिन के समय वो पहुंचे हैं, और शादी में
मुश्किल से कोई 20 आदमी उसमें वहाँ उनके पूरे घर पे ही, कोई बाहर टेंट नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, कोई हलवाई या कोई ऐसा व्यंजन या कुछ नहीं, सिंपल एक टेबल पे घर पे खाना हुआ था। और शाम को 4:30 बजे वो बारात अलविदा हो गई थी, दुल्हन के साथ वो चले गए बिना किसी खर्चे। बंसीलाल जी इसलिए नहीं आए थे कि उन्होंने एक ये संदेश दिया था कि भी शादी में खर्चा मत करो और सिंपल, अगर मैं चला जाऊंगा फिर लोग बहुत से रुष्ट होंगे कि भी मेरे को नहीं बुलाया है। तो उन्होंने अपने आप को खुद इसलिए नहीं गए ताकि लोगों को ये हो। इवन उनका दूसरा बेटा था सुरेंद्र, वो भी शादी में शामिल नहीं हुआ था, खुद वो भी नहीं हुए थे। तो एक वो मिसाल, एक वो शादी चौधरी बंसीलाल के बेटे की, बिल्कुल एक शादी और भी जी, सोनिया गांधी राजीव गांधी जी की सुपुत्री प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जी, जो प्रियंका की शादी हुई जी, उस टाइम पे यूपीए की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनकी जी जी जी, पूरा दबदबा था। हाँ। लेकिन वो शादी भी बहुत शालीनता वाली और बहुत साधारण शादी थी। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग कुल मिलाकर के जो मेहमान बुलाए गए थे टोटल मिलाकर के 350 मेहमान थे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगर कोई लोग ये कहते हो कि अगर किसी के पास पैसा है खर्च करने के लिए, हाँ। तो क्यों ये लोग कह सकते हैं इस बात को भी जी, तो भाई हमें क्यों परेशानी हो रही है, करें खर्च जी। तो एक नजीर ये भी बन सकती है कि अगर चौधरी बंसी लाल अपने बेटे की शादी इतनी सादगी से कर सकते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रियंका की शादी हो, प्रियंका गांधी की शादी हो सकती है इतनी सादगी से, वो देश के बहुत बड़े ओहदे पर रहते हुए जी, पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी जी, तो एक बड़े उद्योगपति को भी ऐसा एक इवन, संदेश। इवन राजीव गांधी की और संजय गांधी बहुत बड़ी बहुत शादियां सुनी है, ये तो लेटेस्ट है कि इनको शालीनता से और बहुत उससे जी जी जी, बहुत से लोग करते हैं। एक बड़े उद्योगपति को भी होना तो ये चाहिए था कि वो संदेश दें जी। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने आपसे कहा कि नेता तो यूं बुलाए गए होंगे कि भाई आगे बोलना ही बंद कर दें, प्रधानमंत्री जी का प्यार लगता तो ऐसा ही है, प्रधानमंत्री जी का प्यार तो जागना ही है उनके लिए, वो तो जग जाहिर है पूरे समय, वो तो देखा मैंने बड़ा अच्छा उनका वो चल रहा था जी। और बाकी जो तमाम जो लोग वहां पर शादी में सितारे ये वो सब, तो बेहतर तो ये है कि जो भाड़े के टट्टू थे जो, वो तो सारे भाड़ची थे वो लोग जो उनको तो पैसा दिया गया। मैं तो पीछे थी ना वो एक वर्ल्ड नोन डांसर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने कितने करोड़ रुपया लिया था, पता नहीं कौन कौन एक बनियान पहने हुआ आया हुआ था, वो भी एक सिंगर था कोई, बड़ी फोर्ड सा वो गाना था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह का आयोजन कोई अच्छा वो नहीं है जी जी, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए था और उनको चाहिए था राष्ट्रीय हित में अगर कुछ है तो पैसा है तो अच्छे उसमें लगाए। जो आपने शेर का संदेश था उसका यही है जी कि एक शहनशाह ने बना के अपनी बेगम के लिए ताज जी, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तो ये है तो वही बात जाएगी। और वाकई हम तो समझते नहीं कि इसका कोई समाज और राष्ट्र के लिए कोई संदेश है, अगर आपको लगता है इसका कोई संदेश है आप ये कहिए, खुलकर कहिए, खुलकर इसका संदेश ये एक बुराई है, बुराई है और एक बुराई को बढ़ावा दिया है अंबानी परिवार ने, ये कह दें जी। अगर आपको भी लगता है और उसमें जो भागीदार है, मैं तो उनको भी दोषी मानता हूं, जो उसमें भागीदार है वो भी उस बुराई को बढ़ावा देने के दोषी हैं, लेके आ रहे हैं जो वहां से गिफ्ट लेके आ रहे हैं, घड़ी पहन के आ रहे हैं वो सभी लोग भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने का आयोजन था क्या? मैं इसमें बीच में टोकू जी, क्या उन जो लोग वहां शादी में शामिल हुए, क्या उनके अपने निजी घर की परिवार की पारिवारिक शादियों में मानी जी आए थे? अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मेरा बनता है दायित्व कि मैं आपके भी पारिवारिक शादी में शामिल हूँ, शरीक हूँ, मैं तो आपको बुलाऊ ना या मैं तो जाऊँ ना, और दूसरा कोई मेरे आए तो भाई उसका कोई ना कोई स्वार्थ तो है ही, तो बुलाने वाले का भी और आने वाले का तो वो तो एक ये सामाजिक रिश्ता नहीं हुआ। एक ये भजन है एक वो मैं सुनता हूँ कई बार जी, जो वहाँ गए सब जी, लोग जी, जैसे उन्होंने संदेश दे दिया ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है जी, तो उन्होंने तो सरकार बना दिया उनकी, आयोजन में शामिल होकर के अपने आप को कृतज्ञ की महसूस किया होगा, भाई अंबानी जी हमें बुला लिया, बड़ा धन्यवाद आपका, ठीक बात है, ऐसा ही है। तो उन लोगों के लिए भी जो सुरजेवाला जी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कि वो लोग भी एक सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने के बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के भागीदार हैं। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।